साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेंटिंग का NIOS 10th क्लास। ठीक है, क्योंकि जो है बहुत बच्चे परेशान थे कि पेंटिंग का जो है थ्योरी वाला पेपर जो है 225 यू ये सॉल्व हुआ नहीं मिलता हुआ। तो चलिए हम क्वेश्चन वन बाय वन पढ़ेंगे और इनके आंसर इस बुक में से मैं आपके लिए निकालूंगा। तो पहला इसकी जो वो है जर्नल इंस्ट्रक्शन, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना। पहले उसे पढ़ लेते हैं क्या आता है पेपर में। यहाँ पे पहले ही आता है लिखा हुआ बच्चे के लिए हिदायत में, आम हिदायत। तालिबे ने अपने सवालनामे के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर लिख लिया। मेहरबानी करके अपने सवालनामे की जांच लें कि तमाम सफात और सवालात उतनी तादाद है जितनी पहले सफ़े के सबसे ऊपर छपी है। उस बात की भी जांच करें सवालात सीरीज में हैं या नहीं। सभी सवालात के जवाब देते वक्त अंदर जवाब दिए सभी सवालात के जवाब दिए गए वक्त के अंदर देने, यानी टाइम पर। तालिब इल्म सवालनामे में रोल नंबर के अलावा और कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत लिखता है तो उसे इम्तिहान से खारिज करें। ठीक है, तो कोई पॉइंट वाइंट कुछ ऐसा मत बनाइएगा जो आपको इम्तिहान से खारिज हो। अपने सवालनामे पर सवालनामे का कोड नंबर यानी 62SSNUF को लिखें। पर्चे सवाल बैक वक्त दो जबानों में फराहम है, शक होने पर इंग्लिश वर्जन को ही मोतबर मानना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए हम अब ये शुरू कर देते हैं। इसमें डेढ़ घंटे का वक्त मिलेगा आपको और मैक्सिमम नंबर 30 होंगे। एक नंबरात वाले सवाल में हर एक का जवाब 10 अल्फाज में हो, दो नंबरात वाले हर जवाब का 30 अल्फाज में हो, तीन नंबर वाले हर सवाल का जवाब 50 अल्फाज में होना चाहिए बस। तो चलिए पहला सवाल है कि इस्तिला काबी नक्श से आप क्या समझते हैं। पहला सवाल, तो इसका जवाब है बुक में से निकाल लेता हूँ मैं। तो इसका यहाँ पे ये रहा काबी और यहाँ पे इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। पांच साजन तासर कुशवराती का मुसव्विर है और ये सारी बातें इन्होंने इसमें कही है। जिस फिरांचा कहा ये कहा जाता है उसने तहरीरी मुसव्विरी का आगाज़ किया, जिसके बाद से काबी तस्वीर ने जन्म दिया। चुनांचा उसके बाबा है काबी मुसव्विर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो है जन्म तहरीरी मुसव्विरी का आगाज़ हुआ। पहले सवाल का जवाब है। दूसरा है, अब ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। दूसरा है पिकासो के दो मशहूर अदवार को बयान कीजिए, यानी दो फेमस पीरियड को बताना है पिकासो के। दूसरा सवाल है, तो इसका जवाब है, तो इसका जवाब आ गया भाई ये। ठीक है, पिकासो के 1981 में मिलागा स्पेन में पैदा हुआ, उसकी मुसव्विरी था और ये साजी उसकी पूरी, और इसी में से आप इसको ढूंढ लेंगे। ठीक है, नीला दौर भी नीले दौर के नाम से भी जाना जाता है और लाल दौर के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबों का दौर। ठीक है, दो दौर हैं, नीला दौर और गुलाबों का दौर। इसके जवाब इसी में से आप छाट के निकाल लेंगे। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि फुलकारी के काम में किस रंग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस पैटर्न की शुरुआत किस सूबे में हुई थी। तो इसका जवाब लिखेंगे आप, तीसरे का जवाब मिल गया है। ठीक है, ये रहा फुलकारी का असल मतलब है फूलों के नक्कूश। ये इस्तिला कशीदाकारी किस्म के लिए इस्तेमाल की, इसका इस्तेमाल पंजाब की औरतें करती थी, यानी पंजाब सूबे से इसकी शुरुआत हुई है। फुलकारी का मरकजी ख्याल हिंसी है और ये सारी बातें इसमें आप लिख देंगे। समझ में आ गए भाई। और इसे गरम करके रंगों से लाल और नारंगी रंगों से भरा जाता है। तो ये आपके सामने तीसरे का सवाल का जवाब हो गया। अब चौथा सवाल है, महाबलीपुरम में हम लोग क्या देखते हैं। तो इसका जवाब है, इसका जवाब है के जुनूबी हिंदुस्तान में महाबलीपुरम या ममलापुरम में हमें
पंचरथ और मंडप इमारतें नजर आती हैं, जबकि उल्लू राजाओं और उसके हरीफ जोलिया जंगतराशी अपनी सरगर्मियों के लिए याद किए जाते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल है कॉलम क्या है और इसमें किस किस्म की अलामती अशकाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जवाब है यह कॉलम है पेंटिंग। फर्श की आराइश पूरी दुनिया में किसी भी तहजीब की सबसे मकबूल शक्ल है। ये हिंदुस्तान के हर हिस्सों में मसलन अल्पना, रंगोली, कॉलम, सांची वगैरह में पाया जाता है। कॉलम जनूबी हिंदुस्तान में मजहबी और सकाफती त्योहारों के एक अहम हिस्सा है। पोंगल त्यौहार त्योहारों पर फर्श पे घर और मंदिर के सामने फर्श पर आजमाई बनाया जाता है। ठीक है जी, अगला है कंथा आर्ट के मुअल्लिफ और डिज़ाइन के बारे में बताएं। सातवां छठा है छठा। तो कांथा का जो है, कांथा सिलाई के लिए पुरानी साड़ियों और धोतियों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारी बातें आप इसमें लिख देंगे जो जो है सारा जवाब इसका है। अगला सवाल है इसमें सातवां मजर आर्ट से आप क्या समझते हैं। भाई इसका मैंने ढूंढा नहीं मिला। आठवां है मोलन दे ला ग्लेन नाम के मुसव्विरी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा आठवें का, मोलन दे लगांती, ये इसकी वो है पिक्चर और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रांसीसी मुसव्विर का मोलन दे लगांती नामी तस्वीर 1876 में बनाया। इसमें नौजवानों की ज़िंदगी को लुत्फानंदोज़ होते दिखाया गया है। ये सारी बातें इसमें आप इसमें से ढूंढ के लिख देंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद ये है अगला सवाल कि अजंता की एक मुसव्विरी का इंतखाब कीजिए और इसकी शैली और तकनीक पर तबसरा कीजिए। नवा, तो चलिए नवे का जवाब। तो ये जो है अजंता की गुफा महाराज जिला औरंगाबाद में खपाओ के नाम रखा गया। इन गुफाओं की तादाद नामुकम्मल 30 के करीब है। इनमें से कुछ गुफाएं पूजा के लिए, कुछ गुफाएं खानकाहें के लिए। ये सारी बातें आप इसमें लिख देंगे। ठीक है जी, ये हो गया मेरा। अब अगला सवाल है धात की मूर्ति नाचती हुई लड़की की वजाहत करें और बताएं कि इसे किस मकाम पर पाया गया है। तो ये धात की मूर्ति है, ठीक है, रक्स करती हुई लड़की। इस मुजस्मे को धात से बनाया गया है। ये वादी है सिंध की फंदी और हुनरबंदी का एक सबब है। सबसे पहले इसको अरिया दिखाया गया है, ठीक है, चूड़ी इस तरह आज के दौर में गुजरात राजस्थान के कबायली औरतें पहनी है। इसके बालों का स्टाइल मूर्तियों के नुमाया है। ठीक है जी, ये सारी बातें आप इसके बारे में लिख देंगे। अगला सवाल है इसका आम मुसव्विरी के पंचे, ये वाला मैंने छोड़ दिया है। अगला सवाल यानी तेरवा पेंगर की मुसव्विरी द लैंड और स्लीपेन की वजाहत करें। तेरवा क्वेश्चन का जवाब मैंने निकाल लिया है। ये उसकी मुसव्विरी है बनाई हुई सुर्ख मंजर। के सी एस पेंकर को हिंदुस्तान के हिस्से में मसरी मुसव्विरों की फरोग में सबसे मद्रास स्कूल ऑफ इंडिया बंगाल में तालीम हासिल हुए चौधरी के शागिर्द थे। उनके बाद इनकी सारी बातें जो मेन पॉइंट लगे उठा के इसमें से लिख देना आप। ठीक है जी, इसके बाद चौदवा सवाल देख लेते हैं। चौदवा सवाल है के सोजी की मुसव्विरी द लैंड स्नैप इन रेड की अहम खसूसियत बयान कीजिए। तो इसका भी जवाब मैंने ढूंढ लिया था। ठीक है, चौदवे का जवाब भी मैंने ढूंढ के रखा था, मुझे पता था कैसा होगा। एस एफ सोजा की मुसव्विरी का जन्म गोवा, उनकी परवरिश मुंबई में, उनकी स्कूल तालीम हासिल हुई, और ये सारी बात इसमें से आप ढूंढ के लिख दिएगा जो जो इनके बारे में आप लिख सकें। ठीक है जी, पंद्रहवा सवाल है क्या आप मिकाइल एजनो की निशात सानिया के दौर का सबसे बड़ा मुजस्मा मानते हैं। आप उन्हें जवाब के लिए जवाब पेश कीजिए। इसका भी जवाब मैंने ढूंढ लिया। पंद्रहवे का भी निकाल लिया हमने। ठीक है, इस मुजस्मे पैटा एक मुजस्मा जिसको मिकाइल एंजलो ने 1498 से 1499 बनाया। संगम मरमर का सिर्फ एक टुकड़े से तराशा गया।
इसमें से ये सारी बातें आप जो है लिख देंगे, इस वजह से ये जो है सबसे अलग है और सबसे डिफरेंट है, मुख्तलिफ। इसके बाद 17वां सवाल है कि 16वां सॉरी, राजपूत मुशवरे की इर्तिका कैसे हुआ और इस इर्तिका में गौलर स्कूल का क्या किरदार है। ठीक है, गौलर स्कूल का क्या किरदार है, 16वां सवाल। तो 16वें का भी जवाब मैंने निकाला, इसका जवाब है कि राजपूत मुगल मुशवरी की 16वीं सदी से 19वीं सदी काफ़ी फैली राजपूत मुशवरी लोग मुशवरी मुतजाजे और ईरानी 18वीं सदी के बाद आठ हिंदुस्तान में गिरावट आने शुरू हो गए। और ये जो है छोटी सी रियासत थी, वहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ से ये शुरू हुई थी। ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, सारी बातें आप इसमें से ढूंढ के जवाब निकाल के लिख दिए। उसके बाद 17वां सवाल है कि मुशवरी शैली के नए अशकाल की निशातुस्सानिया किरदार का जायज़ा लिए इससे किस तरह की पूती शैली और लीनो नॉडरी वे जैसी मुशवरों को मुतासर किया। तो इसका जवाब है भाई ये रहा, मुशविर चंद्र बोस शैली ने वीनस का जन्म नामी तस्वीर 1686 में बनाई और ये सारी इस क्लासिक की और ये सब बातें इसमें आप इसके अंदर लिख देंगे तो ये आपका जवाब हो जाएगा। देखिए, इसमें दो ऑप्शन थे, ये करे थे या ये वाला करते 17वां। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत की शुरुआत से किस तरफ उन्होंने लतीफ़ा का इरतफा हुआ मुख्तर, तो दोनों में से एक करना है, मैं दोनों ही कर रहा हूँ, अगला भी बता रहा हूँ, दोनों में से आपको एक कर लाइएगा। अगला है इसका ये रहा, ठीक है भाई, बरतानवी इकतदार का हिंदुस्तान में फन मशवरी आम मतलब हुई, ये सारी बात आप इसमें से छाट के कोई 10 पॉइंट निकाल लीजिएगा और लिख दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। शुक्रिया।